हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल WC2 गूगल वीडियो इधर। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं रियल ग्रेड 19 के बारे में। रियल ग्रेड 19 का न्यू अपडेट कैसा होगा, कौन कौन से फीचर इसके अंदर एड किए जाएंगे और जो फैन है वो कौन कौन से फीचर की डिमांड कर रहे हैं इस गेम के अंदर, तो इन सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो चले शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट गेमिंग वीडियो सब देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कई सबसे पहले बात करते हैं न्यू कमेंट्री की। न्यू हिंदी कमेंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इसके अंदर ऐड की गई थी 2018 के अंदर। न्यू कमेंट्री इसके अंदर 2018 के अंदर ऐड की गई थी, उसके बाद में 2019 के अंदर कोई भी न्यू कमेंट्री इस गेम की तरह ऐड नहीं की गई है। जो 2019 के अंदर इसका न्यू अपडेट आया था जो जिसके अंदर बहुत सारे आपको न्यू अपडेट देखने को मिले थे, उसके अंदर कोई भी न्यू कमेंट्री ऐड नहीं की गई थी। जो कंपनी है ये न्यू कमेंट्री को वर्क कर रही है और आपको अगले अपडेट में देखने को मिल सकती है न्यू कमेंट्री। और कंपनी ने कहा भी है कि हम न्यू कमेंट्री ऐड करने वाले हैं, तो आपको बहुत जल्दी इस गेम के अंदर न्यू कमेंट्री देखने को मिल सकती है। अगला जो पिक्चर है वो पिक्चर बहुत ही अच्छा पिक्चर जो कि है इसके गेम के अंदर न्यू एनिमेशन अगर हम बात करें इस गेम के अंदर, तो आपको वही 2018 के एनिमेशन देखने को मिलते हैं, कोई न्यू एनिमेशन गेम के अंदर नहीं है। तो हम यही आशा करेंगे कि जो कंपनी है ये कुछ न्यू एनिमेशन में हमारे लिए ऐड करे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पिक्चर की। तो अगला पिक्चर बहुत ही अच्छा वो है कॉमेंट्री बॉक्स का। जैसे आप सभी पता है कि यह गेम किसी भी कंपनी के गेम से पीछे नहीं हटता है। अगर हम बात करें इस WCB गेम के अंदर आपको देखने को मिली थी बारिश यानी रेन देखने को मिली थी, रेन की पिक्चर। इसके बाद में WCG2 भी लेके आई, WCG2 के बाद में ये गेम अपने गेम के अंदर लेके आ गई रेन का पिक्चर। मतलब कि किसी भी कंपनी से ये जो भी पिक्चर कोई दूसरी कंपनी लेके आती तो ये कंपनी भी लेके आ जाती है पिक्चर। तो ये भी आपके लिए बहुत जल्दी न्यू कॉमेंट्री बॉक्स भी लेके आएगी, यानी न्यू कॉमेंट्री भी लेके आएगी और साथ में कॉमेंट्री बॉक्स भी लेके आएगी। तो ये सब तो फीचर हो गए कुछ अलग। अब बात करते हैं न्यू फीचर के बारे में जो कि है यहाँ पर आपके लिए इंटरव्यू की। अगर हम बात करते हैं किसी भी मैच की, तो वहाँ पे मैच होने के बाद थोड़ा बहुत लिया जाता है कैप्टन का, तो यहाँ पे हमको कोई भी इंटरव्यू देखने को नहीं मिलता है। तो इस ये कंपनी हमेशा न्यू फीचर के लिए जानी जाती है, मतलब कि हर ये कंपनी है ये कुछ दूसरी कंपनी से अलग अलग अपडेट लेके आती है। तो शायद ये हमको एक इंटरव्यू वाला ऑप्शन भी दे सकती है, यानी इंटरव्यू भी दे सकती है, तो वो फीचर हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा इनिंग देखने मिलती है, एक्स्ट्रा इनिंग के अंदर आपको वही पुराने वर्ड देखने को मिलते हैं, उसके अंदर भी कोई जो एक्स्ट्रा इनिंग होती है उसके अंदर भी जो सब बैठे होते हैं कमेंटेटर वो भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं बोलते हैं। जो पिछले बार जो उसका अपडेट आया था 2018 में जो उस समय बोले थे वही आज भी बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करें अगर जो इसमें मैन ऑफ द मैच होता है वो भी जो बोलता है वो भी पिछला जो अपडेट आया था उसमें जो बोलते वही इसमें भी बोलते हैं, मतलब कुछ खास वही चीज़ें ऐड नहीं की गई है कमेंट्री के लिए। इसमें एक्सटेंडिंग के लिए भी कुछ खास मज़ा नहीं आता है। जो भी बात हम आशा करेंगे ये जो कंपनी है वो हमारे लिए एक्सटेंडिंग के अंदर भी हिंदी कमेंट्री लेके आए। तो अगला पिक्चर वो है आपके लिए बहुत ही अच्छा पिक्चर है जो कि इसके अंदर बहुत सारे न्यू अपडेट के लिए जो बात करूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक। तो ड्रिंक्स ब्रेक के लिए हमारा अलग से कोई आके अगर देखे जाए ड्रिंक्स, मतलब कि बीच बीच में कैप्टन या कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो तो उसको ड्रिंक्स चाहिए हो तो वो फिर ऐसे इशारा करे, उसके बाद में कोई ड्रिंक्स देने आए तो ऐसा भी अच्छा लगेगा। और बात करें हम इसके गेम की इंजरी फीचर के बारे में, तो इसके अंदर आप इंजरी फीचर देखने को मिलता है, यानी कोई भी बैट्समैन है वो बड़े खेलता है, उसके बाद में अगले मैच खेलने के लिए जाते हैं तो वह लिखा हुआ आता है कि ये प्लेयर इंजर हो चुका है, तो ये 3 मैच के लिए इंजर्ड है, तो आप इसको उसके बाद में यूज़ कर सकते हैं। पर कोई भी हमको जो प्लेयर होता है वो इंजर्ड हुए नहीं दिखता है, केवल डायरेक्ट लिस्ट है प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, तो आप इनको नहीं खिला सकते हैं मैच के अंदर। तो शायद देखने को मिल सकता है हमको इस गेम के अंदर कि कुछ प्लेयर को बॉल लगे बैटिंग करते समय या फिर बॉलिंग करते समय लग जाए, उसके बाद में वो प्लेयर इंजर्ड हो जाए, उसको फिर वो पास कुछ 2-3 प्लेयर पकड़ के बाहर ले जाए और फिर उसके बाद में उस प्लेयर को बोला जाए कि आप 2-3 मैच के लिए फिट नहीं है। तो ऐसे कुछ अगर अपडेट आएगा इस गेम के अंदर तो वही बहुत अच्छा लगेगा। उसके बारे में हम बात करें इस गेम के अंदर कुछ ऐसे पेज के बारे में जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं WC2 के अंदर आपको यहाँ पर लाइव इवेंट देखने को मिलता है, यानी जो भी मैच जैसे कि रियल लाइफ में कोई भी मैच आता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का या फिर वर्ल्ड कोई भी IPL का सीजन होता है तो उसके अंदर आपको लाइव इवेंट देखने को मिलता है WCB और WC2 के अंदर। तो इस अंदर भी हमको लाइव इवेंट देखने को मिल सकता है आने वाले अपडेट में, और करियर मोड का अपडेट बहुत ही अच्छा अपडेट होगा अगर ये लेके आती है तो। WCB जो कंपनी उसने भी अपने गेम के अंदर कमेंट करियर मोड को ऐड कर रखा है, तो शायद RC19 भी अपने नेक्स्ट अपडेट के अंदर के करियर मोड के बारे में सोच सकती है, और WCG2 भी न्यू करियर मोड के बारे में सोच सकती है। तो शायद इसके अंदर आपको आने वाले समय में 2020 में
करियर मोड भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे पेज के बारे में, जैसे कि यहाँ पर आपको जो चीयर्स लीडर होते हैं, चीयर लीडर्स आपको यहाँ पर WCB गेम के अंदर देखने को मिलते हैं, और साथ में WCC2 गेम के अंदर आपको IPL के अंदर देखने को मिलते हैं, और साथ में WCB गेम के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो मतलब इस गेम के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं चीयर लीडर्स, अगर देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पर जो होते हैं कमेंट्री बॉक्स के अलावा कुछ ऐसे और फीचर इसके अंदर ऐड किए जाए जो कि बहुत अच्छे होंगे, जैसे कि आपको जो पार्टनरशिप कंप्लीट होती है उसके बाद में कुछ हाथ मिलाए और कुछ प्लेयर यहाँ पर आपका आकर बदल दे, और इसके बाद में जो चैंपियन होते हैं जो भी टीम चैंपियन बनती है उसके लिए कुछ और एडमिशन इसके अंदर ऐड किए जाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो कुछ फीचर इसके अंदर ऐड होंगे आने वाले अपडेट में, तो आने वाले अपडेट में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कमेंट्री बॉक्स, न्यू कमेंट्री देखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे कंपनी न्यू अपडेट को ऐड करती है, और जो फीचर इसके अंदर ऐड किए जाते हैं वो बहुत ही एंटिक फीचर होते हैं, ये कंपनी हमेशा एंटिक फीचर ऐड करती है। तो आशा करेंगे आने वाले अपडेट में भी ये एंटिक फीचर ऐड करे। तो बस यही थी आशा इन सभी फीचर के बारे में, जो कंपनी है वो बहुत जल्दी न्यू कमेंट्री देखने दे देगी आपको, आप हिंदी कमेंट्री एंजॉय कर पाएंगे आने वाले अपडेट के अंदर। तो ये बस यही था वीडियो। अगर आप सबसे पहले आप ये बताइएगा कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा, अगर आपको अपनी तरफ से फीचर भी ऐड करना चाहते हैं तो बताना कौन सा फीचर आपको गेम के अंदर ऐड कराना, या फिर कौन सा फीचर इस गेम के अंदर नहीं है। तो कैसा लगा आपको वीडियो इसके बारे में कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे प्यारे दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।